गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेल्थ केयर के ऑथेंटिक वीडियो में आपका स्वागत है। नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिले इसके लिए जरूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं। आज इस वीडियो में बात करते हैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन एपिस मेलिफिका की। बेहतरीन मेडिसिन है, खास तौर से जब बॉडी में ओडिमा हो जाए, स्वेलिंग हो जाए। जनरलाइज्ड स्वेलिंग होती है, यानी पूरी बॉडी में जब स्वेलिंग होती है तो उसको एनएसआर का बोलते हैं। किसी एक पोर्शन में होती है तो उसको एडिमा बोलते हैं। जैसे फीटल एडिमा, पैर का एडिमा हो सकता है, या फिर आंख या ओबरी या फिर टेस्टिस। कहीं पे भी अगर सूजन आ जाती है तब इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। यूज तभी करें जब इस मेडिसिन का इंडिकेशन आपकी बीमारी के इंडिकेशन से मैच करे। तो बेहतरीन इंडिकेशन को समझते हैं हम लोग एपिस मेलिफिका के। खास बात, जो एपिस है वो जो मधुमक्खी है उसके जो पॉइजन है उससे बनाया गया है। तो कभी भी मधुमक्खी जैसे डंक मार देती है तो जनरलाइज सिम्टम्स इस तरह से आते हैं कि स्वेलिंग आ जाती है, वहां पे चुभता है, जैसे स्टिंगिंग पेन होता है। तो ये सिम्टम्स है एपिस का। और कहीं पे भी स्वेलिंग आ रही है मतलब पानी कुछ एक्सेस में इकट्ठा हो गया है। जैसे मान लीजिए कि ये ह्यूमन बॉडी है, यहाँ पे ऐसे नॉर्मली इसमें 60% पानी है, 60% के एवरेज में। अब इस पोर्शन में, मान लीजिए हैंड वाला पोर्शन है, यहाँ पे मधुमक्खी ने डंक मार दिया, तो अब होता क्या है कि उस पोर्शन में क्या जाएगी, स्वेलिंग आ जाती है इस तरह से। तो इस तरह से एक सिम्टम्स को आप समझिए कि पहले नॉर्मल तरीके से पानी पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब यहां पे स्टिंग की वजह से पूरी बॉडी का जो पानी होगा उसका कुछ पोर्शन, थोड़ा सा ही पोर्शन इधर आया होगा, तभी इस पोर्शन में क्या हुई होगी, सूजन हुई होगी। यानी पूरी बॉडी के पोर्शन में से जो सरप्लस या कुछ वाटर होगा वो इधर आया होगा। तो उससे एक सिम्टम्स आप याद कर सकते हैं। ये सिर्फ याद करने की बात के लिए बताया जा रहा कि इसमें हेयर है जो है वो पेनफुल हो गया है, पूरी बॉडी का हेयर जरा सा भी टच करता है तो दर्द होने लगता है। तो यूं समझ लीजिए कि एकदम टेंस सिचुएशन में है बॉडी का हर एक हेयर, यानी एवरी हेयर ऑफ बॉडी इज पेनफुल। तो इस तरह से स्टिंगिंग, बर्निंग पेन है एपिस मेलिफिका का। और स्वेलिंग है तो जो सीरस मेम्ब्रेन होती है, जैसे मान लीजिए स्किन का ऊपर वाला पोर्शन है, इसके नीचे यहाँ पे इस तरह से जो टिश्यू है सीरस मेम्ब्रेन है, इसमें एक्सेस में पानी भर गया है। जब एक्सेस में पानी भर जाएगा तब सूजन आ जाएगी। और इसी तरीके के सूजन को कम करने के लिए एपिस का बेहतरीन यूज किया जाता है। तो सिम्टम्स की अगर बात करें तो देखिए लिखा है ओडिमा ऑफ हैंड फीट विदाउट थ्रस्ट, यानी ओडिमा है पूरी बॉडी में, स्वेलिंग है तो थ्रस्ट नहीं लगेगी, ये तो नॉर्मल बात है, तो थ्रस्ट नहीं लग रही है। तो स्वेलिंग विदाउट थ्रस्ट, बिना थ्रस्ट के। और फ्रीक्वेंट पेनफुल स्केनेटी ब्लडी यूरिन, जो यूरिन निकल रहा है बहुत थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, लेकिन कई बार निकल रहा है, फ्रीक्वेंट हो रहा है, दर्द हो रहा है, पेनफुल और स्केनेटी थोड़ी मात्रा में, और स्ट्रेन करना पड़ता है, प्रेशर लगाना पड़ता है, यानी जोर लगाना पड़ता है, इस वजह से कभी कभार ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये सिम्टम्स है फ्रीक्वेंट पेनफुल स्केनेटी ब्लडी यूरिन। और सबसे बेहतरीन सिम्टम्स इस तरह से कि रेडनेस, स्वेलिंग, बर्निंग एंड स्टिंगिंग। रेडनेस है, वहां पे टच करेंगे थोड़ा सा गर्म सा महसूस होगा, रेडनेस। स्वेलिंग है, यानी उस पोर्शन में क्लियर कट स्वेलिंग दिख रही है, उसके साथ साथ जलन भी हो रही है, बर्निंग हो रही है, वहां पे गर्म है वो पोर्शन, और वहां पे चुभने जैसा दर्द है, जैसे कोई पिन चुभ हो रहा है, स्टिंगिंग पेन हो रहा है। और वो आई में हो सकता है, आंख में, ईयर, कान में, फेस, चेहरे पर, लिप्स, टंग, थ्रोट, एनस, टेस्टिस, ओवरी, यानी बॉडी के किसी भी पोर्शन में अगर दर्द हो रहा है, स्वेलिंग भी है, जलन भी है, ये चारों सिम्टम्स अगर एक साथ मिल रहे हैं तो एपीसी देना है इसको।
स्वेलिंग हो, बर्निंग हो, स्टिंगिंग पेन हो, चारों सिम्टम्स एक साथ मिल जाए, कहीं पे भी स्वेलिंग हो, किसी भी पोर्शन में स्वेलिंग हो, आप एपिस दें उसको, बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और खास बात, वन हाफ बॉडी ट्विस्टेड, यानी एठन्सी हो रही है बॉडी के आधा पोर्शन में, यानी इधर वाले पोर्शन में अगर एठन हो रही है तो इधर वाला पोर्शन पैरालाइज हो रहा है, जिससे इधर दमी नहीं है। तब यूं समझिए कि जैसे हम लोग स्टार्टिंग में बोला था ना, शरीर के कुछ पोर्शन का वाटर इधर आया होगा समझने के लिए, तो उसी तरीके से यहां पे क्या है कि जिधर स्वेलिंग है उधर कुछ और सिचुएशन है, और उसके अपोजिट में और सिचुएशन है। इधर स्वेलिंग है तो इधर पानी ज्यादा है, इधर स्वेलिंग कम है तो पानी कम, इधर क्या है कम है। ठीक उसी तरीके से सिम्टम्स यहां भी यहां पे है, एक तरफ तो एठन्स हो रही, ट्विस्ट हो रहा है बॉडी में, टूट रही जैसे, और दूसरी तरफ दमी नहीं है, पैरालाइज्ड हो गई है, पैरालिसिस जैसा है कि जैसे लगता है कि पैर चल ही नहीं रहा उधर का, हाथ नहीं चल रहा है, और दूसरी तरफ में ऐठन हो रही है। तो बॉडी का जो डिवीजन हो गया है, आधा पार्ट में ट्विस्टिंग है और आधा पार्ट में पैरालिसिस जैसा है। पैरालिसिस मीन्स पैरालिसिस नहीं हो गया है, मतलब जैसे दम ही नहीं है, काम ही नहीं कर रहा है, उठता ही नहीं, फ्री मोशन ही नहीं हो रहा है। और सिम्टम्स प्रोसीडेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी जो भी सिम्टम्स होगा पहले राइट में आएगा, उसके बाद लेफ्ट में भी हो जाएगा। जैसे ओवरी में स्वेलिंग है या टेस्टिक्स में स्वेलिंग है, तो पहले राइट पोर्शन में, उसके बाद धीरे धीरे लेफ्ट पोर्शन में भी स्वेलिंग हो जा रही है, शिफ्ट कर रहा है, मतलब इंटेंसिटी बढ़ रही है। इन सब सिम्टम्स में अगर आप एपिस को सिलेक्ट करते हैं, तो एपिस करती क्या है कि स्वेलिंग को कम करती है, और स्वेलिंग को कम करेगी तो ये सब जो पेन हो रहा, बर्निंग, स्टिंगिंग, ये सब पेन हो रहा हो कम हो जाएगा। अगर आप एपिस 30 पावर का अगर देते हैं तो यूरिन के फ्लो को बढ़ाएगा, यानी यूरिन ज्यादा निकलेगा, क्योंकि बॉडी में जो सरप्लस वाटर हो बाहर निकलेगा, और जो स्टिंगिंग, बर्निंग, पेन जो हो रहा था, दर्द जो हो रहा था, इन सब में भी धीरे धीरे आराम आ जाएगा। तो इस तरह से एपिस बेहतरीन मेडिसिन है, और पूरी बॉडी का रोम रोम दर्द युक्त है, पेनफुल है। तो इस तरह का सिम्टम्स अगर है तो आप एपिस का यूज करें, किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, एपिस आप ले लीजिए, एपिस मेल 30 पावर का लें, 4 बूंद सुबह केवल एक बार लें, सुबह जीभ पर केवल एक बार यूज करें। इस तरह के सिम्टम्स हैं तब यूरिन का फ्लो बढ़ जाएगा और जो दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। तो इस तरह से काम की बात समझ में आई तो इस वीडियो को शेयर करें, किसी का भला होगा और आपको दुआएं मिलेंगी। थैंक यू। बात समझ में आई तो इस वीडियो को और लोगों को शेयर करें, ताकि उनकी भी इन्फॉर्मेशन बढ़े और बीमार होने की संभावना कम हो। थैंक यू।